अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वीडियो इस मैंगो फ्रूट ट्राइफल डिलाइट। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ मैंगो की डिश, मीठे की यानी के। और मैंगो का सीज़न जाने वाला है तो मैंने कहा मैं आप लोग के लिए जल्दी से एक कोई अच्छी सी डिश बता दूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसको देखना मत भूलिएगा, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में और मुझे खाने में मज़ा बहुत आएगा। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं क्या 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 है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हमारे पास है मैंगोज, ठीक है। हमने ले ली शुगर। शुगर मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगी उस टाइम पे जब मैं इस जिस चीज़ में ऐड कर रही हूँगी। आइडियल के जो है नट्स लिए हैं, ये पैक है अभी फुल। मैंने रफान की जेली ली है, मैंगो की ही जेली लेनी है। रफान का कस्टर्ड लेना है, ये आप लोग के सामने रफान का कस्टर्ड। दाल मिल्क पैक है हमारे पास और व्हिपी व्हिप की क्रीम है। मैजिक का मैंने प्लेन केक लिया है, ठीक है। ये सब इन्ग्रीडियंट्स आपके सामने हैं, चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। अच्छा गाइस, मैं आपको एक बात बताते चलूं, जो मैं अभी जो है इसकी व्हिपी व्हिप जो क्रीम है मैं यूज़ कर रही हूँ, वरना अदरवाइज जो है मैं नेस्ले की क्रीम यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छी होती है, वो फ्रेश क्रीम होती है। ये जो है हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है, तो इसका टेस्ट देखते हैं हम लोग के कैसा है और इंशाल्लाह ज़रूर इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हमने एक जो बाउल जिसमें हमने दूध बॉयल करने रखना है उसमें हमने निकाल लेना है दूध को। 1 लीटर मिल्क पैक में यूज़ कर रही हूँ नेस्ले का, इसमें मैंने पूरे कंप्लीट निकाल लिया। और इसको जो है हमने इसमें 5 स्पून्स चीनी के डालने, वैसे 1 लीटर में 8 स्पून चीनी के टीस्पून जो है ऐड होते हैं, हर कोई अपने एज अ टेस्ट यूज़ कर सकता है, मैंने 5 स्पून यूज़ किए हैं। और इसको जो है मैंने अच्छी तरह से ठंडे दूध में चीनी डाल के मिक्स वेल करके इसको चूल्हे पर रख दिया। अच्छा फ्लेम फुल रखना है, जितने में ये बॉयल होगा इतने में हम जो है दूसरी जगह कस्टर्ड बना लेते हैं। ठंडा 1 कप जो है हमने दूध लेना है। अगर हम गर्म दूध लेंगे और उसमें कस्टर्ड खोलेंगे या मिक्स करेंगे तो उसमें स्टोन्स या गुठलियाँ होती हैं वो बन जाएंगी। अच्छा ठंडे दूध में आसानी से मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। ये जो है मैंने मेजरमेंट किया हुआ है, तो ये 5 to 1/2 स्पून निकलते हैं, कभी 5 to 6 स्पून निकल जाते हैं। वैसे अगर आप 1 लीटर का बना रहे हैं तो इसके लिए ये एक छोटा साशे काफ़ी है, वरना आप लोगों के पास अगर बड़ा है तो वो मेजरमेंट कर लीजिए। उसमें से 5 to 6 स्पून्स ही मैंने रिक्वायर्ड किए हैं, तो 5 to 6 स्पून ही आपने ऐड करने हैं 1 लीटर में। अच्छा इसको मिक्स करना है, इतने में हमारा दूध बॉयल होगा। ये हमारा दूध कम्प्लीटली बॉयल हो गया है, अब हम इसमें जो है अपने कस्टर्ड को डाल के मिक्स करेंगे। अच्छा हम लकड़ी का ही चम्मच यूज़ करेंगे। लकड़ी का चम्मच यूज़ करने से ये होता है कि हम जो कस्टर्ड होता है हमारे पास, अगर हम उसमें स्टील का चम्मच यूज़ कर रहे होते हैं तो जो है वो पतला हो जाता है। जितना आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करेंगे वो पतला नहीं होगा, उसकी थिकनेस वैसी की वैसी रहेगी। जी हमारा ये रेडी हो गया, तब हमने इसको उतार के रख लेना है और इसको हर थोड़ी देर के बाद के इसको मिक्स करते रहना है। इसलिए मिक्स करते रहना है कि इसके ऊपर एक जो लेयर आ जाती है येलो सी डार्क, वो ना आए। हमने इसको बार बार हर थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहना है और इसको रूम टेम्परेचर पर रख के मिक्स करना है, फ्रिज वगैरह में नहीं रखना। लेकिन ये कि हम एक बाउल में जो है पानी लेंगे, 2 कप पानी लेंगे और उसको हम जो है पकने रख देंगे। जैसे बॉयल होगा पानी, उसमें हम जो है रफान की मैं जेली यूज़ कर रही हूँ, कस्टर्ड भी उसी का यूज़ किया है। तो पानी बॉयल होगा तो हम इसमें जो है जेली का पाउडर डाल देंगे और इतना मिक्स करेंगे जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाए पानी में अच्छी तरह। और इसको फिर जो है हम एक प्लेट या कोई भी जिसमें आप शेप देना चाहें उसमें निकाल लेंगे। अच्छा जो है ना गर्म चीज़ को हमेशा प्लास्टिक में नहीं निकालें, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किसी मार्बल या चीनी वगैरह जो प्लेट्स होती हैं उनमें या किसी और बर्तन या बाउल वगैरह में निकालें, क्योंकि प्लास्टिक के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। अच्छा खैर उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। सो थर्ड स्टेप इज कट द आलमंड एंड कैश्यू नट्स, टेक इट लाइटली। मीन के इसको बिल्कुल लाइटली सा हमने रोस्ट करना है तवे पे या पैन में, और उसके बाद इसको हमने उतार लेना है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अच्छा इसी के साथ हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। देन फोर्थ स्टेप इज़ वेरी इंटरेस्टेड। मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने रूम टेम्परेचर पे जो जेली रखी है मैंने फ्रिज में रेफ्रिजरेटर पे नहीं रखी है, तो ये ऐसी ऑलमोस्ट जम गई है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमने कट द मैंगोज, यानी कि मैंगो को हमने कट कर लेना है और उसके अंदर हमने 3 स्पून जो है चीनी के ऐड करने हैं, और इसी के साथ हमने लेमन जूस इसमें ऐड करना है। 1 to 2 स्पून जो है हमने लेमन सिर्फ जूस ऐड करना है, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इससे जो है हमारे पास स्वीट एंड सावर टेस्ट आ जाएगा और ये टेस्ट बहुत ही यमी लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी हमारा ये स्टेप कंप्लीट हुआ, अब हम अपने 5th स्टेप की तरफ चलते हैं। ये है पहले हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज़, यानी कि हमें जो है यूज़ करने से पहले इसको शेक कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम इसको शेक करेंगे
फिफ्थ स्टेप, हम थोड़े से मजाक कर लेते हैं अपनी वॉइस को चेंज करके। चलें जी, खैर हमारा ये जो है हमने क्रीम डाली है और इसके अंदर जो है हम शुगर ऐड करें। 5 स्पून जो है मैं सिंक शुगर के ऐड करूँगी और इसको बीट करना स्टार्ट करूँगी। अब इसको जो है इतना बीट करना है, बीट 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 करते करते आपका हाथ थक जाए लेकिन बीटर नहीं रुके। और मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, मैं हैंड बीटर से ही इसको बीट कर रही हूँ और हैंड बीटर से व्हिपिंग जो क्रीम होती है वो अच्छे से बीट हो जाती है। इसी के साथ जो मैंने सेकेंड स्टेप पर जली बताई थी वो मैंने रूम टेम्परेचर पर ऐसी प्लेट्स में रख दी थी और वो अच्छे से जम गई है। इसको मैंने कट करा और ये देखें आपके सामने कितने अच्छे तरीके से निकल गई ये पीसेस होके, कोई ये नहीं पिघली या कोई जमी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब हमारी ये कंप्लीट हुए सेक्शन। क्रीम को जो है हमने फ्रिज में रखते थे रेफ्रिजरेटर के लिए थोड़ी देर के लिए, हमने हाफ आवर के लिए, और उसके बाद हमने निकाल के इसको दोबारा बीट करना और फिर से इतना बीट करना है कि हमने बीट करते 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 वही मेरा हाथ तो बहुत थक गया था, लेकिन वही बात है कि मैंने बीट करना नहीं छोड़ा था तो ये मेरे बाउल में डबल हो गई थी। हमेशा व्हिपिंग क्रीम जो होती है उसको हाफ निकालते हैं जितने भी बाउल उसके, ताकि उसको हम लोग बीट करें तो वो फुल अप हो जाए, यानी कि ऊपर आ जाए, क्योंकि ये ऐसा झाग होती है एक। तो जी फाइनली ये सब कुछ हमारा रेडी हुआ। अब हमने मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे करना कि किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें जो है कस्टर्ड की फर्स्ट लेयर लगाएंगे, बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे। बेस बनाने के लिए हमने वो लेयर लगानी है जी। तो हम पहले लेयर लगाएंगे, जैसे ही हमारी लेयर कंप्लीट होगी इसके ऊपर हमने जो केक मैजिक है जो थे मैंने उसके पीसेस करके रख लिए थे छोटे छोटे, उसको जो है हम पूरी बाउंड्री पर लगाएंगे कंप्लीट बाउल के, और उसको अच्छे तरीके से हम फिक्स कर देंगे कि पूरा पुशअप नहीं करेंगे, जितना लाइट पुश कर सकते हैं उतना करेंगे और इसको हम मिक्स लगा देंगे। और बीच में जो है मैं इसकी बिल्कुल बारीक जैसे चूरा होता है या पाउडरी करके वो डालूंगी जी। ये हमारा कंप्लीट होगा, इसी के ऊपर जो है मैं मैंगो डालूंगी। स्पीड जो है मैंने फॉरवर्ड कर दी है, तो ये लेयर हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम मैंगो डालेंगे। मैंगो जो है मैंने स्वीट एंड सावर का टेस्ट दिया था वही मैं इसमें ऐड करूंगी। मैंने फ्रिज में रख दिए थे तो वो ठंडे हो गए, खैर वो मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी और उसकी लेयर लगाऊंगी कंप्लीट। जैसे मैंने केक की लेयर लगाई है वैसे ही मैं मैंगो की लेयर लगाती जाऊंगी। तो गाइस, मैंगो की लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी। कस्टर्ड मैं इसमें डालूंगी और कस्टर्ड जो है थिक होना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मली उसमें होना चाहिए कि बिल्कुल लाइट भी ना हो, जैसे लबे शरीर के लिए बिल्कुल पतला हो जाए वो ना हो। ये हमारी लेयर कंप्लीट हुई कस्टर्ड की। इसी के ऊपर मैं जो है व्हिपिंग क्रीम जो थी मैंने आपको बताई थी उसकी मैं लेयर लगाऊंगी। तो जी वो लेयर लगाने स्टार्ट करते हैं और बहुत सॉफ्टली हाथ से हमने ये लेयर्स लगानी है, बहुत ज़्यादा इसको पुशअप वगैरह कुछ नहीं करना है, ये खुद जो है एक जाती रहेंगी। खैर अब हमने जो है इसके ऊपर जेली डालनी है, अपनी जो जेली बना के रखी थी उसको पूरा इसके ऊपर डालेंगे और इसी के ऊपर जो हमने रोस्ट हुए हुए बादाम हमारे थे आलमंड वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ओहो कितने मज़े का लग रहा था, दिल चाह रहा था मैं अभी स्टार्ट कर दूँ खाना इसको। खैर मैं इसके ऊपर फिर दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी। लेयर बाय लेयर चलता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये चलता जा रहा है। लेयर लगानी हमने कस्टर्ड की, दोबारा से इस बाउल को पूरा ऊपर तक फ्लिप करना है। लेयर लगाने के बाद फिर देन मैं इसके ऊपर दोबारा से जो है क्रीम की लेयर लगाऊंगी। ये आपके सामने है क्रीम की मैंने लेयर लगानी है पूरी, और सेकंड और लास्ट इसका पार्ट जो है हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो मैंने काजू थे हमारे जो रोस्ट किए हुए थे लाइट से वो उसके ऊपर ऐड कर देना है वाइट के ऊपर, और वही बादाम जो है क्रश किए हुए हमने इसके ऊपर डाल देना है। एंड लास्ट स्टेप्स का ये है कि जो हमारे पास स्वीट एंड सावर टेस्ट डाला था उसका जो हमारे पास जूस था हमने उसको ऊपर डालना है। देखिए ध्यान रखेंगे, अक्सर क्रीम्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम लेमन का जूस डालते हैं वो फट जाती है, खैर ऐसी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरी असेंबलिंग कंप्लीट हुई। अब जो है ये ख़त्म नहीं हुई है, अब मैंने सोचा कि मैं आप लोग को एक क्लास में ही प्रेजेंटेशन दूंगा, सेम एज इट इज़ वही करना है। मैंने क्रीम दिखाया, क्रीम के ऊपर वही हमने केक डालने, लेमन डालने, लेमन के ऊपर फिर कस्टर्ड डालने, कस्टर्ड के ऊपर फिर हमने जो है क्रीम डालनी है और फिर दोबारा से हमने कस्टर्ड ऐड करना है। कि मैं बस आपको आइडिया के लिए दिखा रही थी कि हम एक क्लास भी तैयार कर सकते हैं ऐसा, और बहुत मज़े का लगता है, बहुत यम्मी। खैर 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 हम जो है अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। उसमें हमने जेली डालनी है और जेली डाल के जो है हमने ऊपर क्रीम डालनी है, क्रीम के बाद वही हमने इसके ऊपर कैशनो यूनिट और जो है अपना लेमन जूस जो है इसमें लेमन स्वीट एंड सावर का जो टेस्ट है उसका जूस जो है हमारे पास वो हमने इसके ऊपर ऐड करना है, बादाम डालने, और ये बहुत ज़बरदस्त सा क्लास हमारे पास तैयार है। इसकी प्रेजेंटेशन आप लोग के सामने है, अब मैं कंप्लीट आप लोग को ये दोनों दिखाऊंगी। इसकी प्रेजेंटेशन आप लोग कर सकते हैं, असेंबलिंग ऐसे ही करनी है आपको जिस तरह से मैंने दिखाई है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है स्टेप टू स्टेप मेरी तरह
नहीं चलना है। खैर मैंने जो था आपको बता दिया आप लोग के लिए, मैंने ऑफ़ कैमरा कुछ भी नहीं करा है, सब कुछ आप लोग के सामने करा है। अगर ऑफ़ कैमरे में कुछ किया होता है तो वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। खैर मैंने आपको घुमा कर दिखा दिया किस तरह से इसकी लेयर बाकायदा दिख रही हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ करें, आगे से आगे शेयर करें ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ही के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स करके बताएंगे आप लोग को ये मीठा कैसा खाकर भी दिखा देती हूँ आप लोग को निकालते हुए, बहुत ज़्यादा ये मीठा। इसी के साथ मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।